नगर निगम ने शहर में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें राजनाथ गांव के कामठिलान स्थित कांकरिया प्लास्टिक दुकान से 1200 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन और अन्य प्लास्टिक के सामान जब्त किया गया है। नगर निगम को यह सूचना मिली कि शहर के कांकरिया प्लास्टिक दुकान में भारी मात्रा में प्लास्टिक के सामान है जो प्रतिबंधित है, जिसे लेकर निगम आयुक्त ने अपनी टीम भेजी। निगम की टीम कार्रवाई कर रही थी, उसी दौरान दुकान संचालक ने टीम पर दबाव बनाना शुरू किया। निगम की टीम की सूचना पर आयुक्त वहां पहुंचे, साथ ही कार्रवाई की सूचना पर आसपास के सभी व्यापारी भी एकत्रित हो गए और निगम आयुक्त और टीम पर दबाव बनाना शुरू किया। वहीं दुकान संचालक ने आयुक्त को धमकाने भी लगा। उसके बाद निगम आयुक्त ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ और नगर निगम की टीम ने 1200 किलो पॉलीथीन जब्त किया। मामला हाई प्रोफाइल होने से निगम को कार्रवाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां पहुंचे व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और निगम के कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश भी की। राजनांदगांव शहर में पहली बार ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़े व्यापारी के दुकान में निगम द्वारा छापा मारा गया। प्लास्टिक विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। हमारे दुकानदार, हमारे व्यापारियों से भी मेरा अपील है कि कृपया करके प्रतिबंधित प्लास्टिक का किसी भी प्रकार का बिक्री न करें। इससे न केवल हम जो माता कर रहे हैं, गाय और अन्य जानवर हमारा इसका शिकार बनते, बल्कि हम स्वयं प्लास्टिक के कारण नित्य प्रतिदिन एक जहर हमारे शरीर में घोल रहे हैं और हमारे वायुमंडल और पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये मैसेज है पूरे शहरवासियों को कि प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने में, प्लास्टिक उपयोग नहीं करने में, वो भी अपने अपने स्तर पर सहयोग करें। एक अकेले नगर निगम किस प्रकार की कार्रवाई से प्लास्टिक किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। इसमें आम लोगों की, समुदाय की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की, सभी की सहयोग की अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।